नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ, कुछ लोगों के कमेंट थे, कुछ भाइयों के कमेंट थे, तो आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ नए टॉपिक पे आपको सही सही जानकारी मिल सके, जिससे आपको सही गाइडेशन मिले, धोखाधड़ी का शिकार होने से आप बच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। AN साहब बोलते हैं, सर क्या विदाउट PCC और विदाउट स्टैंपिंग के कुवैत जा सकते हैं क्या विजिट वीज़ा पे? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। भाई, विजिट वीज़ा में PCC स्टैंपिंग का कोई चक्कर ही नहीं है ना, वो तो वीज़ा लेके आप कहीं पर भी कौन सी कंट्री भी जा सकते हैं। विजिट वीज़ा में तो इतना कोई इश्यू नहीं है, विजिट वीज़ा में इसकी ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल आप जा सकते हैं। वसीम अरबाज बोलते हैं, सर मेरी कुवैत का वीज़ा आई थी, गम का मेडिकल होना बाकी है, पर मैं किसी वजह से कुवैत नहीं जाना चाहता, मैं सऊदी जाना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, अगर कुवैत का वीज़ा आ गया और आप नहीं जाना चाहते तो कुवैत का पैसा है जो वीज़ा का, वो आपको भरना पड़ेगा। आपकी कैसी कंडीशन है वो आप सोचिए, बाकी प्रॉब्लम वही होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सऊदी का दोबारा मेडिकल करवा के सऊदी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। प्रेम कुमार राजबार बोलते हैं, सर शटडाउन में जाने के लिए मेडिकल कहाँ पर होता है, ये कुवैत में होगा या PCC होगा या नहीं? देखिए भाई, अगर आप शटडाउन वीज़ा में जाते हैं, चाहे कोई कंट्री हो, उसमें PCC मेडिकल इनकी क्या ज़रूरत है यार? वीज़ा स्टैम्पिंग कुछ नहीं होता है सर, नॉर्मली में वीज़ा लग जाता है, आप जाओ उसमें वीज़ा अपने आप बोल रहे हो कि मेडिकल या फिर PCC, कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो शटडाउन होता है ना, एक तरह का विजिट वीज़ा ही मान लीजिए, इसी में कंपनी लेके जाती है, तो इनमें ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। मेरा नाम रामू है, मेरी उम्र 44 साल हो गई है, 2016 से कुवैत में रहता हूँ, क्या मैं अपनी किसी कंपनी अपना वीज़ा कैंसिल करके आ सकता हूँ? बिल्कुल, आप 2016 से रह रहे हैं यानी 2019 चल रही है, तो बिल्कुल आप वीज़ा कैंसिल कंपनी में रिज़ाइन दीजिए, कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करके टिकट पकड़ा देगी हाथ में, आप इंडिया आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हो सकता है कंपनी आपको एक दो महीने बिठा ले, रोक ले, सैलरी भी रोक सकती है एक दो महीने की, ठीक है, बाकी इंडिया आ सकते हो, कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं होगी। उल्लू खान बोलते हैं, सर कुवैत में ऑयल कंपनी में लाइट ड्राइवर का 200 KD और हेवी ड्राइवर का 300 KD दे रहा है, लेकिन बम्बई में जो एजेंट है वो CV सिलेक्शन पर कुवैत भेज रहा है और सिक्योरिटी में 10,000 रुपये मांग रहा है और कह रहा है कि वीज़ा आने के बाद जाने वाले बदल जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटी में पैसा मांग रहा है। सर मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे एक गाइड करना और कमेंट में आंसर ज़रूर देना। देखिए, दिक्कत ये आ जाती है भाई कि बबलू खान जी की ऐसे ही लोग हो आप, यहाँ आते आते फंस जाते हो, आपको नहीं पता होता कि यार लाइट ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है, हेवी की कितनी है, ये है वो है। आप देखो कितना डबल तनख्वाह बता दी आपको, यानी डबल सैलरी बता दी, पैसा 10,000 एडवांस, तो ऐसे लोग फंस जाते हैं, समझ रहे हो बात को? फिर आप मुझे कॉल करते हो, सर ये वीज़ा आ गया, इसको चेक करो, वो करो, ठीक, समझ रहे हो? और फिर है ना दिक्कत आ जाती है, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो भाई ये 100% गलत है, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। लाइट में 120, 125, 30 सैलरी है, हेवी में 150, 160 सैलरी है, यानी ये डबल सैलरी के लगभग आपको बता दी, तो इनमें कोई सच्चाई नहीं, इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, दिमाग से ये बात निकाल दें। और आप तो यार इंडियन लाइसेंस से हो, तो इंडियन लाइसेंस से तो कैसे इतनी सैलरी मिल जाती है? वहाँ ट्राई होगी, इंटरव्यू होगा, कई लंबा प्रोसेस है, तो इसमें सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। इमरान खान बोलते हैं, सर आप ये बताइए कि खादम वीज़ा छुट्टी जाके सोन वीज़ा में उसी टाइम आ सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल भाई, आप अगर खादम वीज़ा से आपका वीज़ा लगा हुआ है, आप इंडिया आ गए और छुट्टी काट के सोन वीज़ा आपको कैसे मिलेगा? आपका वीज़ा पहले वाला ऑनलाइन शो करेगा ना, वो उस वीज़ा को कटवाना पड़ेगा आपको, उसको कटवाइए, 10-15 हज़ार आपका खर्चा होगा, वो कैंसिल होने के बाद आप उस वीज़ा को दोबारा अप्लाई करें, दोबारा मेडिकल होगा, नया प्रोसेस हो जाएगा, वो जैसे खादम में नया हुआ था ना, वैसे सेम टू सेम नया प्रोसेस होगा, इतना आसान नहीं है, छुट्टी आके आप नहीं जा सकते बिल्कुल। तो साथियों, इस कुवैत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ नए टॉपिक पर ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।